सो है गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना। वो भी आप लोग कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करके आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे तो आप लोग का वीडियो काफ़ी वायरल होगा एंड आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना होगा एंड ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा रेशियो मिल जाएगा। तो आप लोग को इंस्टाग्राम का रेशियो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे 9.16 है और इसको यहाँ पे क्रिएट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पर आप लोग को मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद जिस वीडियो को एडिट करना होगा उस वीडियो को यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने बाद दोस्तों क्या करना होगा, फिर से हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का सिंपल वीडियो है। तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फिर से इस वीडियो को हम लोग देख सकते हैं और इसका फिर से यहाँ पे नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आप लोग इस वाले सर्किल पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा यहाँ पर नीचे इफेक्ट ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोग को फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, फिर से दोस्तों यहाँ पे आ जाना होगा और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ऊपर सर्च करना होगा, मोबाइल का डाटा ऑन रहना चाहिए। तो सर्च बार पर क्लिक कर देना है कॉपी बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से आप लोग कॉपी बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर है, कॉपी बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पर नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे बैक आ जाना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आ जाना होगा और इसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ पे नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देना, फिर से यहाँ पर ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से ऊपर सर्च कर लेना होगा ब्लर, मोशन ब्लर पर यहाँ पे लिख लेना ब्लर। आप लोग लिखेंगे तो आप लोग का मोशन ब्लर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोशन या गॉसियन ब्लर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद फिर से क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने वाले दोस्तों हम लोग इसका 240 के करीब इसको कर लेंगे, ठीक है। 240 के करीब कर लेना है और यहाँ से फिर से बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, फिर से हम लोग को यहाँ पे नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इफेक्ट पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देना, फिर से हम लोग को सर्च कर लेना होगा एक्सपोजर गामा, ठीक है। तो ऊपर सर्च बार पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देना, EX लिख देंगे तो आप लोग का एक्सपोजर गामा आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोजर गामा आ गया, इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देना, फिर से हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे 3 डॉट पर फिर से हम लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना होगा एंड 3 डॉट पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों क्या करना है, एक्सपोजर को हम लोग कम कर लेंगे, तो -40 के आसपास रख लेना है, ठीक है। जिसको हम लोग -40 या 40 के करीब रख लेते हैं और यहां से दोस्तों हम लोग को बैक आ जाना होगा एंड बैक आ जाने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना होगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग डिफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर डिफरेंस लिखा है तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सब्ट्रैक्ट लिखा है और डिफरेंस है, काफ़ी सारा ऑप्शन है तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं तो हम लोग को डिफरेंस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे इसको रख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग ऊपर यहाँ पे 100 ऑपेसिटी है, यहाँ से ऑपेसिटी को कम या ज़्यादा आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, तो इसको मैं प्ले करके आप लोग को दिखला दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका हम लोग रेशियो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इसको इस साइड करेंगे तो इसका रेशियो बढ़ा लेना है, पूरे वीडियो पे इसको रख लेना होगा, ठीक है। जितना बड़ा वीडियो यहाँ तक ले है तो इसको हम लोग यहाँ तक रख लेते हैं और इसके बाद मैं इसको प्ले करके दिखला देता हूँ।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसको सेव करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और उस पर क्लिक कर देने वाला यहाँ पे इसको हम लोग वीडियो पर रख लेंगे और नीचे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना होगा।